हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लवमॉल में। तो आज हमारे पास एक सैमसंग का फ़ोन है M01 Core, और आप इसका मॉडल देख सकते हो M013F। और ये वीडियो देख के एक फ्रेशर जो हमारे शॉपकीपर है वो भी काम कर सकते हैं, जो कभी भी पहले अनलॉक नहीं किए हैं वो भी इस वीडियो को देख के आप कर सकते हो। अगर आपके पास एक लैपटॉप है तो आप इजीली इस मेथड से आप अनलॉक कर सकते हो। तो इसमें जो जो मैंने टूल और ड्राइवर यूज किया है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बिल्कुल बिना पासवर्ड का, तो आप वहां से डाउनलोड कर लें। तो आप इस पे देख सकते हो कि ये फ़ोन में हमारा FRP लॉक लगा हुआ है, और आज हम इसका FRP लॉक करेंगे बिना कोई डेड रिस्क और बिल्कुल सेफ मेथड से। तो इसे कैसे करना, चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते। तो अभी आपको PC पे आ जाना, और सबसे पहले आपके PC में जो भी एंटीवायरस है ना आपको उसे ऑफ कर लेना, ठीक है। और उसके बाद में आपको यहाँ पे दो टूल डाउनलोड कर लेना है, एक हमारा सैमसंग USB ड्राइवर और एक SAM FW टूल। ये दोनों आपको ड्राइवर और टूल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आपको सिंपली डाउनलोड वहाँ से आपको कर लेना है, ठीक है। तो ये SAM FW टूल है जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो वर्जन मैंने इसमें यूज किया है, क्योंकि इसका लेटेस्ट वर्जन भी आ चुका है। लेकिन ये टूल है कि बिल्कुल ऑफलाइन काम करेगा और आपको इस मॉडल के लिए बिल्कुल प्रॉपर अच्छे से काम करेगा, ठीक है। तो ये सबसे पहला है USB ड्राइवर, जिसे आपको अनजिप करके इंस्टॉल कर लेना है। तो मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो वह मैं उसे इंस्टॉल नहीं करूँगा। यहाँ पे मैं सीधा का सीधा SAM FW टूल को अनजिप कर रहा हूँ, और ये हमारा USB ड्राइवर है। तो आपको अनजिप करके दिखा देता हूँ इसके अंदर कौन सा फाइल हमें मिलता है, ठीक है। तो ये फाइल अनजिप करने के बाद आप देख सकते हो कि इसके अंदर ये USB ड्राइवर मिलेगा, जिसे आपको इंस्टॉल कर लेना है। अगर आप में इंस्टॉल नहीं है, तो मेरा में ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो मैं उसे इंस्टॉल नहीं करूँगा। और ये टूल को जब आप अनजिप करोगे तो इस तरह का मिलेगा। तो ये SAM FW टूल को है उसे आपको रन कर लेना है, ठीक है। तो रन करने के बाद इस तरह का आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें देख सकते हो आपको क्या कर लेना है, आपको USB से कनेक्ट कर लेना है फ़ोन को, और एक बार आपको पोर्ट चेक करा देता हूँ डिवाइस मैनेजर में जाके, ठीक है। कि आप में इस तरह का जब आप ड्राइवर इंस्टॉल कर लोगे तो आप में ये पोर्ट आपका बन जाना चाहिए, तभी ये फ़ोन अनलॉक होगा, ठीक है। तो आप टूल में भी देख सकते हो कि हमारा पोर्ट बन चुका है सैमसंग मोडम USB, और आपको डिवाइस मैनेजर में भी बता दूंगा कहाँ पे आपको चेक कर लेना है, ठीक है। क्योंकि जिन भाई में जिनके PC में ड्राइवर का फॉल्ट होता है ना, तो फ़ोन अनलॉक नहीं हो पाता है। तो आपको डिवाइस मैनेजर ओपन करना, उसमें मोडम्स में चले जाना। तो आपको ये फ़ोन कनेक्ट करने के बाद ये मोडम अगर मिल गया तो समझिए आपका ड्राइवर ओके है। उसके बाद में सबसे फर्स्ट में जो रिमूव FRP है उस पर आपको क्लिक कर देना है, और उसके बाद में कुछ यहाँ पे आपको बोलेगा, वो इंस्ट्रक्शन को आपको फॉलो करना। तो ये बोल रहा है गो टू इमरजेंसी डायलर एंड कोड डायल करना, इमरजेंसी कॉल में जाकर *#H। उसके बाद में ये फ़ोन हमारा चला जाता है टेस्ट मोड में, और यहाँ से अब हम ओके कर देंगे, ठीक है। टेस्ट मोड में जाने के बाद में और हमारे फ़ोन में इनेबल होगा USB डबिंग, उसे आपको ऑन कर लेना, ठीक है। तो देखिए USB डबिंग हो गया, आपको ऑलवेज पे क्लिक करके अलाउ कर देना। यहाँ पे हमारा USB डबिंग ऑन हो गया। अब FRP बिल्कुल ही फ़ोन हमारा फ़ोन का 100% रिमूव हो गया है, फ़ोन ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट होगा, आपको कुछ भी नहीं करना है, फ़ोन ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट होगा यहाँ पे। तो आप देख सकते हो फ़ोन हमारा ऑफ हो गया, और इसका मॉडल M01 Core। तो ये आएगा लास्ट में, उसे नो कर देना। आपको वहाँ पे सम कुछ आपके मन पे आप उसे पे कर सकते हो, उस टूल का जो भी ऑनर है। तो ये बिल्कुल फ्री टूल है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कोई पासवर्ड नहीं, कोई क्रेडिट, कोई परचेस नहीं, बिल्कुल फ्री टूल है। तो आपको डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेना, जिन्होंने अभी तक इस टूल के बारे में नहीं जानते, जो भाई बिल्कुल फ्रेशर है, जिन्होंने कभी भी FRP का सैमसंग का काम नहीं किया, तो इस टूल के ज़रिए आप इस मॉडल का FRP बहुत ही आसान तरीके से आप कर सकते हो। तो आप बिल्कुल ही जाके डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ही कर लें, और वीडियो पे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा, और मैं आपके लिए ऐसा हेल्पफुल वीडियोस लाता रहूँगा। तो कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, मैं आपके लिए ऐसा ही अच्छे अच्छे वीडियोज़ लेके आता रहूँगा। ये फ़ोन सक्सेसफुली हमारा फुल्ली अनलॉक्ड हो चुका है। अब मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।